अभी ऐसे बुड्ढा को उठा के ले गया, बच्चा को चिन्ह के। अपना जगह में अपना देश में रहने के लिए मजबूत है, इसलिए हम दूसरा देश में भाग का आ गया था। हम लोग कसूर है ना, हम लोग यहाँ पे इंडिया में आए हैं अपनी जान बचा के। सबसे बेस्ट कंट्री, सबसे सेफ कंट्री समझ के हम इंडिया में आए हैं। Fleeing persecution in their own country, around 40,000 Rohingyas had crossed over to India in 2012. Out of that 40,000, around 300 people and 50 families had settled in this refugee colony in Delhi's, in South Delhi's Kalandi Kunj. Now, 9 years after they were settled here, families say that they're randomly being picked up by the police and fear that they will again be deported to the same country that they had to flee 9 years back. कल रात को पुलिस आया था यहाँ पे, आकर हमारे भाई को शेकिंग करके चला गया था। बोला था तुम लोग कहाँ काम कर रही है, कहाँ जाती है, काम करके कहाँ खाती है, ऐसे भी बोले पूछपाछ कर चला गया। रात को सुबह आया था 8 बजे, अगर वो नमाज पढ़ कर हमारे पापा आया, मस्जिद से आया, फिर मम्मी ने खाना बना रही है। हमारा भाई भी नमाज पढ़ के खाना काम पे जाने के लिए तैयार हो गया, फिर इतना टाइम पे आकर पुलिस वाला ने, लेडीज वाला ने आकर गिर लिया, उनको जाने नहीं दिया इधर उधर। खाना भी खाने नहीं दिया, ऐसे ही उठा के ले गया खाना, देख लो खास घर वाले बात बोरी, एक काम करने जा रहा हूं, ये इस भी आस में आदमी वो छीने के लिए लिया, वो मेरा छोटा भाई खाना लेके जा रहा काम पे। कितने लोगों को उठाया? 4 लोगों ने, हमारे पापा मम्मी है, हमारे छोटा भाई दो है। अभी जो इनिशियर का जो है ना वकील, वो भी गया था, उनको बांध नहीं किया, वो बोलता ऊपर से ऑर्डर आया था, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग गलती क्या है, अगर बिना वजह ऐसे फैमिली को उठा के लेके जाना है, यहाँ से सबको उठा के ले जाइए, किसी को समुद्र में ले जाके फेंक दीजिए ना। अगर हम लोग चोर हैं, किसी अब हमने क्राइम किया इंडिया में आके, किसी को मारा, किसी को पीटा है, कोई हमने गलत काम किया है, तो हम सबको उठा के ले जाइए। ऐसे बिना वजह एक एक फैमिली को उठा के ले जा रहे हैं आप, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आके ऐसे एक एक फैमिली को उठा के ले जा रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत की बात है सर। हम लोग यहाँ पे इंडिया में अपनी जान तो बचा के आए हैं, हम और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं, जो आप कानून बता रहे हो कानून मान रहे हैं। बचपन से भी कोई वहाँ का हालत सही नहीं देखा है, इसलिए हम अपना जायगा छूट कर यहाँ आया था। हम खाने के लिए मजबूर नहीं है, सिर्फ हमारा औकात वहाँ है ही नहीं है, हमारा जीने का वहाँ हक नहीं है, इसलिए हम यहाँ भाग कर आया था। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ, क्या किस तरह से लोग आपको यहाँ की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं तो हमको कोई देश में दिया जाए, ऐसा तरह हालत में, ऐसा तरह परेशान में हम रहनी नहीं चाहती है।